महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रितु आर्या लेकर आप लोगों का मनपसंदा कार्यक्रम महकता आंचल। और आज की कड़ी में हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं को लेकर। सच में कितना अच्छा लगता है ना जब सुनने में आता है कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है, या फिर उसकी चाची माँ बनने वाली है, या फिर उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। सुनने वाले को जब इतनी खुशी होती है तो सोचिए उसे कितनी खुशी होती होगी जो उस आने वाले बच्चे को अपने गर्भ में महसूस करता है, अपने गर्भ में महसूस करती है। पूरे नौ महीने तक अपने गर्भ में पालती है। सच कहते हैं ना, माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। और यह सपना एक माँ ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ मिलकर देखता है और दिन गिन गिन कर उस नन्हे मुन्ने की राह देखने लगते हैं। और परिवार का हर सदस्य उस महिला की खूब देखरेख करते हैं, फिर चाहे वो उसकी खान पान से जुड़ी चीजें हों या फिर उसके कामकाज से। लेकिन इन बातों से हटकर एक बात और है शायद जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है। बात ये है कि गर्भावस्था के दौरान सही तरीके से सोना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि गर्भवती महिला का गलत स्थिति में सोने से बच्चे की स्थिति बिगड़ जाती है। इस दौरान महिला की योनि का आकार बढ़ जाता है, साथ ही स्तनों में दूध बनने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और जिसकी वजह से स्तनों में भारीपन आने लगता है। ऐसे में महिला के सामने वाला हिस्सा काफी असुविधाजनक हो जाता है और पेट पर जोर देकर सोने की वजह से भ्रूण के विकास में बाधा आती है। तो श्रोताओं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं कुछ महिलाओं से और जानते हैं उनके अनुभव कि जब वो गर्भवती थी तो वो कैसे सोया करती थी। जी नमस्कार, अपन नाम? मेरा नाम इंद्रा देवी सिंह। अच्छा, तो आपू जब गर्भवती छा तो उस समय में क्या आपू किसके शिक्षा ब्याह के दाए तरफ गर्भवती शिक्षा? मैं जब गर्भवती छी तब मैं बाए तरफ शिक्षा। आपू तो कहली कह की इसके सितन चैन या फिर कोई पोजिशन में सितन चैन? कोई हमारे सयान सयान बुजुर्ग जो होने हम इसके सितन चैन इस कारण चैन तो अपन बच्चे मिले तकलीफ हुई तस्के सितन चैन। दीदी अपन नाम? मेरा नाम खष्टी सर। अच्छा, आपको बताला जब आपको गर्भवती छा तो उस समय में आपको और ना बजाय किसके शिक्षा? मैं बाए करवाडी बेसित छू कि जब मैं टिकला गुंज छू तब मैं एनएम दीदी बता कि बाए करवाडी से भी नंतिन स्वस्थ रहो और नंतिन के कोई परेशानी नहीं कबीर। अच्छा। तब मैं तस्के ही छू। अच्छा, यदि अगर हम बाए करवाडी में से तो क्या ये कोई नुकसान पहुंचल, मतलब आप फूल कभी ख्याल करा कि पेट में कभी भार पड़ना या अन्य तरफ से भी परेशानी हुई तय की लगी एक तरफ से भी नंतिन एक तरफ का जो लटकी दिन बहुत अच्छी परेशानी हुई। अपन नाम? मेरा नाम तुलसी से मैं सुन के पे बुलानी हूँ। अच्छा, तो आपू जब गर्भवती छा तो आपू कसके शिक्षा इसके आते हैं और बहुत सारी दीदियाँ दिख रही बात भाई कनी के दाएं स्तन चैन बाएं स्तन चैन, तो क्या अपन समय में मतलब क्या इस तरीके को समझो छी कि इसके स्तन चैन जैक विल नैनतीन सही सलामत रहा? द को समझो छू इस तक को कछू हम हो गए अब हम बुढ़ी गयी हो हम के कतरे रहे उस तक फार्म जस कैसे गया जत खे पड़ गया उस तक को पूछू को तो हम के तेज पे खबर नहीं थे कब नंतेन हुई कब कैसे कैसे थे
आज आज दुपहर में तो उद्योग लागने रही एक चीज बतावा तो आपको कंछा की कष्ट कट्टी कला किसी कला कोई ले स्थिति में हम से देखा तो कभी नाइनटीन में गए आपको मतलब भारी पंचायत या कभी दर्द तस टाइप महसूस न हो ची दर्द पुस्तक हमारे दर्द के वो पूछो हम बन घर खेत पुछड़ उसी का नींद गा दीछे दीदी आपको बताला जब आपको गर्भवती छा तो मतलब जो शिक्षा के बारे में कोई किसके शिक्षा उस समय में क्या ये पहले ध्यान दी जैसी जी तो मगे शुरू में सिद्धि का सीधना आदत छिपे और मैं सिद्धि का सीछ जब गर्भावस्था में छू हुई तो मैं गर्भवती हुई तो गर्भावस्था में सिद्धि का सिद्धि है तो उस दौरान मुझे बहुत परेशानी हुई है तो रात भर में करवटे बदल में रहने में कभी दाई तरफ कभी बाई तरफ तो बहुत परेशान जाए है फिर में जब टीका लगन गई तो तुम गए एनएमएल को कि बाई करवट दिन चैन बाई तरफ सीटिया कबीर बता तब मैं अपना आदत बनाया और बाई तरफ करवट दी सीटी तो और इस तरह की कोई परेशानी आपको कर रहे हैं पेट संबंधी जब आपको सिद्धि का शिक्षा हाँ रेप हो सांस लेने में परेशानी होने का और ज्यादा भारी पानी सुनी होगी। वास्तव में हर महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहती है साथ ही गर्भवती महिला को बाईं ओर सोना चाहिए और यह उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। गर्भावस्था के दौरान बड़े हुए गर्भाशय की वजह से आंत पर जोर पड़ता है और जिसकी वजह से महिला को उल्टी आती है और कई बार तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है साथ ही कमर में दर्द होना भी स्वाभाविक होता है तो इसीलिए इस दौरान तिरछा सोया जा सकता है। तो श्रोताओं बातचीत तो होती रहेंगी तो थोड़ा सा आपका मनोरंजन करते हैं और सुनाते हैं आपको एक अच्छा सा गाना। ले दगड़िया
जैसे मैंने बात की थी कि गर्भावस्था के दौरान तिरछा भी सोया जा सकता है, लेकिन गलत स्थिति में महिला सो जाए तो एक प्रकार का दबाव शरीर में बन जाता है और वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह का असर भी पड़ता है और हृदय गति भी बदल जाती है और ऐसे में बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। और वैसे भी कहते हैं कि कमर के बल पूरा जोर लगाकर सोना सही नहीं है, गर्भवती महिला को एक और हल्की करवट लेकर सोना चाहिए। इससे उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि ऐसे में हमारा पेट दाएं साइड होता है। ऐसे में बाएं ओर करवट लेकर सोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पेट पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता, साथ ही हार्ट अटैक या फिर हमारे दिल की धड़कन, हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन व ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है और कंट्रोल में रहता है। तो ज्यादा बातें जानते हैं सीधे डॉक्टर मोनिका खरकवाल जी से। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहिबा से। देखिए, गर्भावस्था ही नहीं, गर्भावस्था के अलावा जब कोई माँ गर्भवती नहीं है उस वक्त भी हम बाईं करवट का बात करते हैं। हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं बॉडी की, जो नीचे से शरीर के पैरों की तरफ से जो है खून को ऊपर की तरफ लाती हैं, वो सारी की सारी जो है राइट साइड पे होती हैं। तो यदि हम मतलब दाईं तरफ होती हैं, तो यदि हम बाईं करवट सोते हैं तो वो सारी की सारी वेन्स फ्री हो जाती हैं और वो पूलिंग को ऊपर हार्ट में वापस रक्त के को लाने के लिए मदद करती हैं। तो इस तरह से हमको इन जनरल भी अपनी हैबिट जो है प्रेगनेंसी एज वेल एज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हमेशा बाईं करवट सोने की करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी गर्भस्थ महिला ये कहती है कि जो है मुझे बाईं करवट सोने में परेशानी है, तो उसमें आपको एकदम टैबू नहीं कर देना है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर देना है। करवट सोए, कोई भी करवट लें, क्योंकि सीधे में तो वो वेन्स पूरी पूरी दब जाती हैं, तो कोई करवट लें जो भी उनको अच्छी लगती है, किंतु हमेशा बाईं करवट, फिर कहूंगी कि गर्भवती के लिए और हर किसी के लिए बाईं करवट बहुत ही अच्छी करवट होती है, जिसमें सारा पूलिंग फ्री हो जाता है, हार्ट में बराबर खून का दौरा चलता रहता है और हमारे पैरों में सूजन इत्यादि जो है नहीं आती है। मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट वाला, अगर वो सीधा सोती है मैम, जैसे आपने कहा कि उसकी सारी वेन्स दब जाती है, तो इससे क्या जो पेट में बच्चा है उस पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, हम उस बच्चे के वेलबींग की बात करते हैं ना, जब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हो तो हम उत्तर जो आपको किसी भी प्रश्न का देते हैं वो अच्छाई की तरफ का देते हैं कि अच्छा कैसे हो। तो सोने को वो यदि वो अनकंफर्टेबल है, दिक्कत में है, असहज में है, तो वो सो तो जो है कोई करवट या सीधे भी सकती है, लेकिन सबसे अच्छी करवट जिससे उसके बच्चे का परफ्यूजन ठीक हो, बच्चे तक खून बहुत बढ़िया मात्रा में, जब माँ का खून सही चलेगा तभी तो बच्चे तक पहुंचेगा वो, है ना। माँ का ही खून तो सर्कुलेशन में प्लेसेंटा के थ्रू, हमारी फली के थ्रू बच्चे को मिल रहा है, तो वो सर्कुलेशन जब निरंतर गतिमान रहेगा, चलता रहेगा, तो बच्चे तक खून बहुत अच्छी तरह पहुंचेगा। तो कोशिश, अच्छी बातें बताइए, फॉलो हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि दिमाग के किसी भी कोने में मेरी गर्भवती को ये पता है कि मैडम ने, चिकित्सक ने, दीदी ने, रेडियो ने मुझे बाईं करवट सोने को कहा है, तो वो प्रयत्नशील रहेगी और वो बाईं करवट सोने का प्रयत्न करेगी। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सीधी सो रही है तो उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, लेकिन सीधी सोने में परेशानी हो सकती है, इसलिए उसको बाईं करवट की सलाह दी जानी चाहिए।